बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपना सर नीचे कर पाए। हेलो फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारी गलतियां भी साथ में कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा है, मेरा 9वां महीना बीतने वाला है, डिलीवरी डेट भी आ गई है, तब भी लेबर पेन नहीं आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिस वजह से समय पर लेबर पेन नहीं आता है, और जब समय पर लेबर पेन नहीं आता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि पेट काटो और बच्चे को बाहर निकालो, मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी कर दो। तो अगर आप ऑपरेशन डिलीवरी से बचना चाहती हैं कि समय पर आपको लेबर पेन आए, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिएगा, एक एक बात अच्छे से सुनिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका समय पर लेबर पेन आएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, और आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, लेबर पेन ना आने की सबसे पहली वजह होती है कि आप बिल्कुल भी अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं रही हैं। आपने ना तो एक्सरसाइज की, ना वॉकिंग की, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी की, ना घर के काम की, ज़्यादा से ज़्यादा आपने रेस्ट किया है। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो वो है कि जहाँ पर आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप बेचारी फिर क्या करते, फिर रेस्ट तो करना ही पड़ा। दूसरी कंडीशन ये है कि जानबूझकर आपने आराम किया, थोड़ा सा भी दर्द हुआ आप तुरंत आराम करने चले गए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया, कोई भी दिक्कत हुई आपने वॉकिंग नहीं की, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, घर के काम भी आपने ज़्यादा नहीं किए, तो ये रीज़न भी होता है जब आपको लेबर पेन समय पर नहीं आता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो तो फिर सिजेरियन डिलीवरी होगी ही होगी आपकी, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब भी आपने रेस्ट किया है तो तब भी सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो अब आपके पास टाइम है, अभी आपकी डिलीवरी में समय है, अभी कुछ ऐसे काम कर लीजिए जैसे कि आप वॉकिंग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। दो टाइम आप वॉकिंग कीजिए, आप सुबह वॉकिंग कीजिए 40 मिनट, शाम को वॉकिंग कीजिए, थोड़ा तेज़ तेज़ वॉकिंग कीजिए, क्योंकि जब आप वॉकिंग नहीं करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो इससे क्या होता है, पेल्विक एरिया की मसल्स आपकी टाइट रहती हैं, जिससे कि बच्चा हेड डाउन पोजिशन में नहीं आता है, और जब बच्चा हेड डाउन में ही नहीं आएगा तो आपको लेबर पेन कैसे आएगा। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगी, वॉकिंग करेंगी और अपने छोटे मोटे घर के काम करेंगी, जिससे आपके पेल्विक एरिया की मसल्स एक्टिव होती हैं, जिससे वो लूज पड़ती हैं, उनमें लचीलापन आता है और बच्चा सर नीचे जल्दी कर लेता है और आपको लेबर पेन समय पर आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। इसीलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने नहीं बताए हैं तो आप जल्दी से इन कामों को स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी आपकी गलती होती है, खाने पीने पर आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रेगनेंसी में उल्टी की दिक्कत है तो आप कुछ खाने पीने पर अपना फोकस ही नहीं करती हैं, कुछ खाने के लिए ट्राई नहीं करती हैं। अगर आप खाने पीने पर अपने ध्यान नहीं देंगी, अपनी मन पसंद की चीज़ें खाएंगी जो आपको पसंद होंगी, चटपटा, तीखा, ऑयली वगैरह, तो ये क्या करेगा, आपका वजन बढ़ाएगा लेकिन गर्भ में बच्चे के वजन को कम कर देगा, बच्चे का वजन बढ़ने नहीं देगा, गर्भ में बच्चा कमज़ोर रह जाएगा। अब बच्चा कमज़ोर है, बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपना सर नीचे कर पाए, और जब बच्चे का सर नीचे नहीं होता है तो समय पर लेबर पेन भी नहीं आता है, लेबर पेन में देरी हो जाती है या फिर लेबर पेन आता ही नहीं है, और गर्भ में कमज़ोर बच्चा होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती है, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बनते हैं। और बाई चांस अगर लेबर पेन आ भी जाता है, कमज़ोर बच्चा अगर गर्भ में है, तो फिर डिलीवरी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द महसूस करना पड़ सकता है, डिलीवरी में भी ज़्यादा समय लग सकता है, और हो सकता है डिलीवरी टाइम पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाए जिससे आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी से अपना खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, एक हेल्दी डाइट प्रॉपर फॉलो कीजिए, बाहर की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल दीजिए, घर का हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन डाइट लीजिए, आयरन डाइट लीजिए, फाइबर फूड आप लीजिए, जितनी भी हेल्दी डाइट होती हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, दूध, दही, पनीर, जूस पीजिए, पानी खूब पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, जो भी घर में हेल्दी तरीके से बनाना है आपको वो खाइए, दूध दलिया खाइए, ओट्स खाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स खाइए, इनसे घर में बच्चे का वजन बढ़ेगा, डिलीवरी टाइम में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे और डिलीवरी आसान बनेगी, और हाँ लेबर पेन भी समय पर आएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ है स्ट्रेस।
आप लोग प्रेगनेंसी में ऐसे स्ट्रेस लेते हो, इससे सारी दुनिया की जो टेंशन है वो आप ही को ला के दे दी हो। क्यों लेना भाई टेंशन? आपको अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचना है क्या? नहीं चाहते कि बच्चा हेल्दी हो? अगर आप स्ट्रेस लेते हैं प्रेगनेंसी में, तो आपको पता है कि बच्चा आपसे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से कनेक्टेड होता है। जो आप सोचते हैं वो बच्चा भी सोचता है, जो आप फील करते हैं वो बच्चा भी फील करता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेने से मना किया जाता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो बच्चा भी अंदर स्ट्रेस में रहता है, उसकी भी ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। और डिलीवरी टाइम पर जो डिलीवरी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो लेबर पेन लाते हैं, वो भी रिलीज नहीं हो पाते हैं आपके स्ट्रेस की वजह से। इसीलिए प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेने से मना किया जाता है। बच्चे पर तो फर्क पड़ता है, डिलीवरी पर भी फर्क पड़ता है। लेबर पेन समय पर नहीं आता है और डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए स्ट्रेस किस बात का, जो बात भी आपको स्ट्रेस दे रही है उसको सबके साथ जाके बांटिए, सबको बताइए, जिससे कि थोड़ा सा स्ट्रेस आपका बटे। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, या जिस बात का स्ट्रेस है उसको क्लियर कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कम से कम 9 महीने तो अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बने, बच्चा भी हेल्दी बने, और समय पर लीवर पेन आए और समय पर डिलीवरी हो। अब चौथी चीज़ है आपका वजन बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना। अगर आप प्रेगनेंसी में ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, मतलब आपका वजन उतना बड़ा ही नहीं जितना बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, आपको लीवर पेन समय पर नहीं आएगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इस वजह से भी लेबर पेन समय पर नहीं आता है और सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बनते हैं। तो लेबर पेन आने में तो देर हो ही जाती है, डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सिजेरियन डिलीवरी डॉक्टर को करनी पड़ती है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वजन कम हो या ज़्यादा हो। इसीलिए अपने वजन पर ध्यान दीजिए, अगर ज़्यादा है आपका तो फिर कम करने की कोशिश कीजिए, और अगर कम है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए जिससे कि आपका वजन बढ़े, और अगर ज़्यादा है तो वजन कम करने के तरीके अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए, और जो तेल भुनी चीज़ें हैं, तेल की मसालेदार चीज़ें हैं, मैदा है, ये सारी जो फैटी चीज़ें होती है, ज़्यादा मीठा है, इनको बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका वजन समय से पहले कम हो जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएँ और समय पर आपको लीवर पेन आ जाए। ठीक है फैमिली, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू।